बेचारा अभी सोच रहा होगा कि गुरुकाल ने हमला तो किया लेकिन मायावी चाबी के बजाय सूर्य की शक्ति वाली तलवार क्यों ले आया। सोचो अभी सोचो, सोचते रहो पर गुरुकाल की चाल का तोड़ नहीं मिलेगा। जय मुझे तो लगता है इस समुंदर लोक में गुरुकाल कोई ना कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। आखिर उसे मेरी मायावी चाबी के बदले मैं तलवार ही क्यों ले गया, उसे वही क्यों चाहिए थी। लेकिन बॉस, गुरुकाल को तलवार के सफेद मायावी शक्ति का क्या काम। ओए, तुम लोग सिर्फ गुरुकाल का ही नाम जापोगे तो ये समुंदर का मजा कब उठाओगे। हाँ बॉस, पहली बार अकेले वो भी इतने बड़े जहाज में और आसमान नीचे जादुई समंदर। गुरुकाल, गुरुकाल जल्दी से ना गुरुकाल के जहाज के नीचे हिस्से पर अटैक कर। बच्चों के लिए टिफिन रेडी है, टाइम पर खा लीजिएगा। और हाँ, सर्दियों का मौसम है और महागुरु की गुफा में तो ज़्यादा ही ठंड होगी, इसलिए मैंने बच्चों के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रख दिए। और शाम होते ही बच्चों के साथ हम घर लौटेंगे। वैसे बच्चे हैं कहाँ? वो टाइम बहुत कम था ना रुक्मिणी, तो बच्चे मेरा इंतजार बाहर ही कर। ले ये सामान मुझे दीजिए। अरे नहीं डुगू, तुम रहने दो, मैं चला जाता हूं। ये मेरा सामान। अरे नहीं अजी, अजी मैं ले जाऊं। दीदी बोलिए ना इनको। अरे नहीं डुगू, अरे नहीं डुगू, रहने दो, मैं जा रहा हूं। आदित्य जी, जल्दी। ओह रुक्मिणी, तुम चिंता मत करो, ये डुगू को तो मैं साफ करती हूँ।
की कोई जरूरत नहीं। जगत मंत्र में छोड़। अरे अरे ये कौन सी आफत लगा दी मेरे पीछे? काश हमारे पास मछली पकड़ने वाला कांटा होता तो हम उस कांटे की मदद से हमारी तलवार को पानी के अंदर से ले आते। अभी अभी ये देख, ये रहा कांटा, यही तो पड़ा था। यही पड़ा था? ऐसा कैसे हो सकता है? अब बेकार की कहानियां बनाना बंद कर। अब ये बता, इस तलवार को इस फिशिंग रॉड से कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक चुंबक होना चाहिए था, ताकि हम उस चुंबक को इस रस्सी से बांध देते और फिर उसे पानी में फेंक देते, क्योंकि लोहे की तलवार चुंबक से चिपक जाती तो फिर हम उसे बांध लेते हैं ना। चुंबक, ये रहा। अभी ये देख, चुंबक भी मिल गया। आज तो लक हमारे साथ है। आखिर पहले ये मछली पकड़ने वाला कांटा, फिर ये चुंबक, मुझे तो लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है बॉस, चल तलवार ढूंढ। अभी किसी चीज से अटक गई, क्योंकि मेरी तलवार का इतना तो वजन नहीं है। प्लीज इसे खींचने में मेरी मदद करो। क्या अभी तुझे तलवार नहीं उठी जा रही? किसी काम का नहीं है। अगर मैं ना रहूं ना तो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। हाँ मेरी मदद तो करो। मैं तलवार का वजन कम हुआ और फिर समुद्र की गहराइयों से जो सामान आया था वो भी नहीं बाहर निकला। आदित्य बच्चे कहाँ हैं? आपने तो कहा था कि वो यहाँ नीचे ही हैं। बदमाश बच्चों! मम्मी हम लोग तो यही थे, हम तो बस आपको डराने के लिए यहाँ पर छुपे थे। ये लो। अरे बच्चा! अरे दीदी बचाओ मुझे! बचाओ दीदी, बच्चों कोई तो बचाओ। अरे वहां आपने डुगू को कहा रॉकेट की तरह उड़ा दिया। आदित्य तुम डुगू की चिंता मत करो, उसे मैं ठीक करती हूँ। अब लोग जाओ ना, देर हो रही है। चलो चलो अब जाइए। ठीक है चलो जाओ बच्चे, जाओ जाओ जाओ। माँ जी मेरा इकलौता भाई है, प्लीज इसे नीचे ले आइए ना। चिंता मामंत्रम इच्छा उर्दियम। मौत के पिटारे से ब्लैक मुंबा को आजाद किसने किया? वेलकम ब्लैक मुंबा, वेलकम। आज तक तुम्हारे जैसा खूंखार
समुद्री लुटेरा ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा। दरिया में दुश्मनों का खून रंगने वाले, मौत को अपनी उंगलियों में नचाने वाले, ना तुम पर काला जादू चला है और ना सफेद जादू। धोखे से सफेद जादूगरों ने तुम्हें मौत के पिटारे में इतने साल कैद करके समुंदर में फेंक दिया, और गुरुकाल की चाल ने तुम्हें उस पिटारे से आजाद किया। मुझे सिर्फ सफेद जादूगर के शस्त्र से ही आजाद किया जा सकता है। तुम्हारी तो सारी शक्तियां ही काली है, फिर तुमने मुझे कैसे आजाद करवाया? रुद्र के रक्षकों से चकमा देकर सूर्य की शक्ति वाली दिव्य तलवार हथिया ली, और उसी तलवार से मैंने तुम्हें आजाद करवाया ब्लैक गुम्बा। अब अपने मालिक गुरुकाल को पहचानो और करो अपने गुलामी को सलामी। गुरुकाल, मैं हूं समुद्री लुटेरा ब्लैक गुम्बा, पीता हूं दुश्मनों के खून का खंबा, कर देता हूं उनको लंबा। ब्लैक गुम्बा गुलामी करने नहीं, इस दुनिया को अपना गुलाम बनाने आया है। कैद करके तुझे क्या मिलेगा? अपने बड़े प्लान को पूरा करने के लिए चाहिए दो जादूगर, एक काला दूजा सफेद। मिल गया काला जादूगर, अ ब्लैक मुम्बा। सफेद जादूगर की खोज करेगा जिसकी तलवार से तूने मुझे आजाद किया है। तभी ये कंपास मुझे यहां लेकर आया है। माया, बॉस तू धूल क्यों उड़ा रहा है? मेरा मेकअप खराब हो जाएगा ना, वैसे भी इतनी ठंड है और परेशान कर रहा है। मैं मेकअप खराब नहीं करो, मैं सोचा थोड़ी काली मिट्टी लग जाएगी तो तेरा चेहरा चमक जाएगा, और वैसे भी थैंक यू बोल, तेरी ठंडी भगा दी मैंने। अभी लाते गुस्से मार के तेरी तान दूर करती हूँ। तो करना गाइस प्लीज, अब तो अपना झगड़ा बंद कर दो। मिल गया ब्लैक मुम्बा को शक्तिशाली सफेद जादूगर, अब इसे भी बोतल में उतारना पड़ेगा। कौन है? ये छोभी है, अगर इसने पापा को नहीं छोड़ा तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे।
मूम्बा की सारी शक्तियां जब तक वापस नहीं आ जाती, मैं इन बच्चों से नहीं लड़ सकता। मुझे मेरा सफेद जादूगर मिल गया है, अब यहां से भागने में ही समझदारी है। ब्लैक मूम्बा इतना कमजोर हो गया है कि कंपास के जादू से भी गायब नहीं हो सकता। लगता है ब्लैक मूम्बा को पैदल ही भाग के जाना होगा। जल्दी मुझे किसी भी तरह इन बच्चों को चकमा देकर जल्दी से जल्दी अपना मकसद पूरा करना होगा। महागुरु, मैं और बच्चे आपसे मिलने आ रहे थे, इसने मुझे कैद कर दिया। महागुरु, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आदित्य को बचाने के लिए तुम्हें उसके पीछे जादू लोग जाना। उबलते हुए टापू के लोक से तुम्हें एक जादुई बोतल लानी होगी, लेकिन हाँ, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो जादुई बोतल, इसलिए उसे गलती से भी छूना मत बेटा। खाता है इस जादुई पिटारे में तुम्हें वो बोतल बिना छुए रखकर लानी। चलो दोस्तों, धरती पर सर्दियां चल रही है और यहाँ पर इतनी गर्मी है कि गर्मी के मारे पसीने छूट रहे। इसका नाम ना उबलता हुआ टापू लोग नहीं, इसका नाम होना चाहिए तो कड़ाई लोग, जो सब हमेशा से चलती रहे। सबसे पहले कौन वो बॉटल को उठाता है? चल रमेश, चल। कोई भी नहीं उठाएगा। याद है ना महागुरु जी ने क्या कहा था कि हमें इस बॉटल को बिना छुए इस बच्चे में डालना है। खैर, मैं एक बार ट्राई करके देखती। मतलब मेरी परछाई बॉस। हम भी तो देखते हैं ना कि बॉटल को हाथ लगाने से क्या होता है। ठीक है, मैं रुकी रानी बनेंगे एक परछाई।